हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरुजी उपस्थित हूँ। चलते हैं बिना समय गांव शुरू करते हैं। आज का विषय है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। सभी प्रश्नोत्तर वन लाइनर है। चलिए एक नंबर शुरू करते हैं। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ किस वर्ष से माना जाता है? तो 1885 ईस्वी से माना जाता है। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1885 ईस्वी को हुई थी। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। चौथा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जी हाँ, चौथा नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो भूमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। आगे, पाँचवा नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे ए ओ हयूम, ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। आगे, ए ओ हयूम भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्षता कितने बार बने, कितने बार किए, अध्यक्षता कितने बार किए? तो कभी नहीं किए ये। आगे, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया था? तो कुल 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। आगे, ए ओ हयूम कांग्रेस के महामंत्री पद पर कब से कब तक बने रहे? तो 1885 से 1907 ईस्वी तक बने रहे। आगे, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पिता किसे कहा जाता है? तो ए ओ हयूम को कहा जाता है। दसवां नंबर, ब्रिटेन में किसके अध्यक्षता में 1887 को भारतीय सुधारक समिति की स्थापना की? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। आगे, किसके अध्यक्षता में लंदन में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई? तो विलियम डिगबी की अध्यक्षता में। आगे, 12 नंबर, 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना के बाद किस गुट का प्रभाव बढ़ा? तो उदारवादी गुट का बढ़ा। 13 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बहीउद्दीन तैयब जी थे 1887 ईस्वी में। आप प्रथम अध्यक्ष थे अंग्रेज अध्यक्ष 1888 ईस्वी में जॉर्ज यूल थे। अब चलते हैं भारतीय राष्ट्र का दूसरा चरण से, करते हैं 1905 से 1919 तक का। चौदह नंबर, राष्ट्रीय आंदोलन के किस चरण को नव राष्ट्रवाद अथवा उग्रवाद का काल माना जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को। भारत में उग्रवाद के उदय का श्रेय किसको दिया जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को दिया जाता है। आगे, सोलह नंबर, गणपति महोत्सव 1994 ईस्वी में और शिवाजी महोत्सव 1985 ईस्वी में, 95 होगा, 85 नहीं, 50, 95, ये 95 में तिलक जी ने कहाँ पर प्रारंभ की थी? तो बम्बई में प्रारंभ की थी। 17 नंबर, स्वराज स्वदेशी बहिष्कार का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था। आगे, 18 नंबर, भारतीय राष्ट्र आंदोलन के तृतीय चरण में लाल बाल पाल के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाल के नाम से लाला लाजपत राम राय, लाला लाजपत राय, और बाल के नाम से गंगाधर तिलक, और पाल के नाम से बिपिन चंद्र पाल। आगे, 19 नंबर, भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का सूत्रपात 1897 ईस्वी में कहाँ से हुआ था? तो महाराष्ट्र से हुआ था। आगे, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ था। 21 नंबर, संपूर्ण भारत में कांग्रेस द्वारा शोक दिवस कब आयोजित किया गया था? तो 16 अगस्त 1905 ईस्वी में। बंगाल विभाजन के विरोध में हुए प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। आगे, बंगाल विभाजन का मुख्य कारण क्या था? 23 नंबर, बंगाल विभाजन का मुख्य कारण क्या था? हिंदू और मुसलमान को विभाजित करना था। 24 नंबर, बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? 1947।
ग्यारह वर्ष ईस्वी में। आगे मुस्लिम लीग, लोग नहीं लीग, मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो वर्ष 1906 ईस्वी में हुआ था। आगे मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आगा खा था, यानी थे कर दीजिए, इज्जत दीजिए उनको, ठीक है। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ होगा मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आगा खा थे। 27 नंबर, 1907 ईस्वी में मुस्लिम लीग की लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कराची में हुआ था। आगे 28 नंबर, मुस्लिम लीग का मुख्यालय कहाँ था? तो लखनऊ में था। 29 नंबर, किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन गरम दल एवं नरम दल में हो गया था? तो सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में। और 29 नंबर में चलते हैं, 29 और 30 नंबर में भारत में होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना 1916 में किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने। 30वां नंबर, केसरी एवं मराठा पत्रिका किनका लिखा हुआ था जो कि मराठी एवं अंग्रेजी भाषा में थी? केसरी मराठी भाषा में और मराठी अंग्रेजी भाषा में थी, तो बाल गंगाधर तिलक का लिखा हुआ था। और यहाँ तक बनने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।